हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन यहाँ पर काइनेमेटिक्स से आपको दे रखा है। यहाँ पे द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी। तो यहाँ पे आपका टाइम जो है आपका बेसिकली टी है, ये वेरी करता है, ठीक है, यानी ये टाइम टू टाइम जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका एक्स जो दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स है यहाँ पर, तो ये आपको दे रखा है, ठीक है, पार्टिकल का। यहाँ पे आपको फाइंड करना है पोजीशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन पार्टिकल जब टाइम जो है आपका 0 सेकेंड हो जाता है, बेसिकली टी इक्वल्स टू 0। तो व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स बिकम्स 0, यानी कि कब ऐसा, मतलब कब, यानी कि टाइम, दैट इज कौन सा टाइम, ठीक है, टाइम निकालना है आपको कि कब जो है आपका वेलोसिटी जो है आपका 0 हो जाए। कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विथ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या हम उस मोशन को कह सकते हैं कि वो एक मोशन जो है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से देखिए आपका बेसिकली एक जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है पोजिशन और आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब टाइम जो है आपका 0 सेकंड हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें जो गिवन है यहाँ से, दैट इज एक्स, हमें गिवन है एक्स, अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, तो हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम पोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। आपका पोजीशन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस हुआ, ठीक है, पोजीशन ही हुआ बेसिकली, वो आपका एक्स है। एक्स क्या दे रखा है आपका, यहाँ से देखिए, एक्स इक्वल्स टू 4t² माइनस 15t प्लस 25, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें निकालना क्या है, पोजीशन जब टाइम 0 हो जाए। पोजीशन निकालने के लिए जब भी देखिए आपका इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन में तो आपका जब कुछ ऐसे एक्स वेरिएबल दे रखा होता है, 4x² माइनस 15x प्लस का 25, आप क्या करते हो उसको, क्या करते हैं, मिडिल फाइंड टर्म से स्प्लिट करके निकालते हैं। यहाँ पे आपका मैथ्स का नहीं सॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है फिजिक्स में। फिजिक्स में आपका कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसा आपको कैलकुलस में यूज करना है। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा कैलकुलस यूज होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज होगा, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन जो है बेसिकली तोड़ना होता है, दैट इज देखिए आपका जो है इंटीग्रेशन होता है कि बीच के पार्ट, ठीक है, दैट इज छोटा सा एलिमेंट हमें निकालना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन यूज होगा, तो लेट सी जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले पोजिशन, वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक्स निकाल लें, ठीक है, सबसे पहले हम पोजिशन फाइंड कर लेते हैं। पोजिशन डैट इज हमारे यहाँ से देखिए एक्स है हमारा पोजिशन, तो अगर हम यहाँ से जो है क्या निकाल सकते हैं, देखिए अगर हम वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें, इफ टी इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 है तो हमारा पोजिशन क्या हो जाएगा, सिंपल है, आपको टी में आपको 0 पुट करना है। तो यहाँ से क्या हो गया, 4 × 0² माइनस 15 × 0 प्लस 25, देखिए ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, क्या बचा, 25, 25 मीटर आपका आ जाएगा पोजीशन। अब देखिए वेलोसिटी हमें निकालना है, क्योंकि तो वेलोसिटी के लिए आपको क्या लिखते हैं, हम वेलोसिटी इक्वल्स टू dx/dt लिखते हैं, ठीक है, कैलकुलस में यही यूज होता है, ठीक है। तो dx/dt ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखिए डी एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ये एक्स पूरा दे रखा है ये चीज़, ठीक है। तो 4t² माइनस 15t प्लस 25 ये लिख दिए हम, और ये आपका बाय में dt रहा, ठीक है। तो बेसिकली जो है हमारा यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, तो डैट इज हम इसको पूरा बाय नहीं दिखा के आपका ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली क्या है, ये मल्टीप्लाई का ही साइन है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, 4 × ये टी का, देखिए सबसे पहले ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हम निकाल लिए बाहर। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता हो तो देन बहुत अच्छा है, अगर आपको नहीं आता है ना तो भी हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कैसे होगा।
यहाँ पे देखिए कांस्टेंट था 4, 4 हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर जो है बेसिकली पावर, पावर को हम पहले लिखते हैं, फिर टी, फिर उसी पावर में से हम 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। डैट इज इसका फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका dx बाई डी टी, ठीक है, अगर आपको देखे तो आपका होता है n इंटू एक्स एन माइनस वन, ठीक है। ये होता है जो आपका, ये क्या हो गया, ये पावर हुआ, बेसिकली पावर में आपने 1 माइनस कर दिया, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे आपको वही करना है, 2 इंटू टी, आपका पावर क्या है 2 है, 2 हमने लिखा, फिर ऊपर आपका 2 माइनस 1, ठीक है, माइनस का 15, आपका पावर क्या है 1 है, और आपका टी 1 माइनस 1 हो गया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एन ही लिखते हैं, तो एन क्या हुआ 1 हुआ, 1 में ही आपका 1 माइनस होता है, ठीक है, ऑलवेज प्लस का 25। अब देखिए ये जो कांस्टेंट नंबर होता है ये आपका ऑलवेज 0 हो जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम ये चीज जानते हैं ये चीज को। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 4 × 2 t, ठीक है, ये आपका पावर 1 हो गया, तो आपका क्या होगा 2 t हो जाएगा। तो 4 × 2 t माइनस का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, फिर आपका माइनस का 15 t² 0, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 1 × t, और ये ऊपर 0 है पावर में, तो ये आपका देखिए कोई भी हम लोग पढ़े हैं कि जो आपका यहाँ पर x²0 = 1 होता है, ठीक है, कोई भी c²0, p²0, ये आपका 1 के इक्वल होता है, ये हमें पता है। अब यहाँ से देखिए प्लस का 25, तो प्लस का 25 दैट इज ये कांस्टेंट है, तो हम 0 ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका सॉल्व हो गया आएगा 8t माइनस का 15, ये क्या होता है ये 1 के इक्वल, तो डैट इज 1 आपसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे माइनस का 15। अब देखिए ये हमारा डिफरेंशिएट होके ये जो है आपका v आ गया। अब हमें क्या करना है, पुट करना है t, इफ t = 0, ठीक है, अगर आपका t 0 है तो v क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए 8 × 0 - 15, तो ये आपका आ गया -15 m/s, ठीक है। तो बेसिकली आपका वेलोसिटी कितना आया -15 m/s, ये आपका एक, और आपका ये जो आपका आंसर आया ये आपका एक, ठीक है, तो दो हमारा निकल गया। तीसरा हमें निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन डेट इज ए से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, यानी कि dv/dt। अब आपका देखिए भी क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ है, ये हम लिखेंगे, तो d × 8t - 15/dt, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करने की, डैट इज डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ से आपका डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ से देखिए आपका क्या आ जाएगा, 8 तो 8 रहेगा ही, इसका पावर में 1 है, टी 1 - 1, और ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 8 t² 0, ठीक है, पावर में आपका 0 है तो डेट इज 1 हो गया, तो यहाँ से डायरेक्ट 8 आ गया, तो 8 m/s², ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ से देखिए अब आपको लास्टली क्या निकालना है, व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0, 0 कब हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है, बेसिकली टाइम हमें निकालना है। अब यहां से देखिए आपका वेलोसिटी का जो इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है ये चीज, तो हम यहां से लिख सकते हैं वेलोसिटी विल बिकम जीरो व्हेन 8t - 15, ये वाला दैट इज वेलोसिटी का ये है ना, तो ये 8t - 15 ये आपका इक्वल्स 2 0 हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको 0 के इक्वल दिखा देंगे, तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा आपका, ये देखिए माइनस का 15 है, इस साइड जाएगा पॉजिटिव का 15, और ये जो 8 मल्टीप्लाई में है ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे तो 8 2 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा
8 8 16 17, 7 बच जाएगा, 0 लगा देंगे, 8 8 64, और कैरी बच जाएगा तो फिर यहाँ से 6 0, फिर यहाँ पे आपका 7 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, ये टाइम हो गया, टाइम टेकन, ठीक है। तो ये आपका जो है सारा आंसर्स आ गया। फाइनल आंसर हमें एक और दिया रखा है, कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मोशन है। तो देखिए यहाँ पर आपका ए जो है डिपेंड नहीं कर रहा, ए यानी कि एक्सिलरेशन, ए क्या हुआ आपका, एक्सिलरेशन हुआ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सिलरेशन। तो ये जो है आपका डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम पर, ठीक है, टाइम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस द पार्टिकल, यस द पार्टिकल हैज अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन होगा इसके पास। क्यों, बिकॉज में हम लिखेंगे ए जो है, चूंकि ए, बिकॉज ए डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम दैट इज टी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, समझ में आया होगा तो प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि आपको नेक्स्ट की वीडियोज़ जो है जो भी हम डालें आपको मिलती रहे। ऐसी वीडियोज़ हम लाते रहते, काइनेमेटिक्स न्यूमेरिकल्स बहुत सारी वीडियोज़ हैं, डाल देंगे लिंक्स में, एंड इवन आपको जो है लास्ट में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का वीडियो एंड अदर वीडियो। सो थैंक यू सो मच।